तुम चाहती क्या हो अमाल? मुंबई जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत नायाब है, क्या आप सचमुच इसे भेजना चाह रही हैं? इसीलिए मैं कभी सच नहीं बोलती, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। शहर में फसाद शुरू हो रहे हैं, कर्फ्यू लगने वाला है। किसी ने बानो और अमल को देखा? क्या हुआ भाई जी? लगता आगे कुछ हुआ है। क्या बात है ऑफिसर? जनाब कुछ वक्त पहले यहाँ हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था। आई एम सॉरी, उसने आते आते दम तोड़ दिया। बदनसीबी से उस वक्त वो वहीं थी जहाँ फसाद हो रहे थे। डॉक्टर साहब, हम हमारी बच्ची को एक नजर देख सकते हैं? I'm afraid वो काफी जख्मी थी, उसका चेहरा। मैं अपनी बच्ची को एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ। ओके, प्लीज। तू फिक्र मत कर, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे वो, और उसको ढूंढ लेंगे। सिक्योरिटी गाय, मैं भी जाता हूँ। मिल भी गई तो क्या फायदा, कब तक जिंदा रहेगी? एक ना एक दिन मर ही जाएगी ना, हम सब की तरह। मिर्जा, किसी की गलती नहीं है। हे आजी, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना हम खत्म हो चुके हैं। आजी, तुम तो उसके प्लान्स जानते हुए भी उसे नहीं रोक पाए। ऐसा मैं जानता हूँ तू गुस्सा, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था। तो किसी की गलती नहीं है, यूं ही राइट्स होते रहेंगे, यूं ही लोग मरते रहेंगे। मुझे जवाब चाहिए अजी। इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं किसके लिए लड़ रही हूँ अजी? कौन सुन रहा है हमारी? हम जी नहीं रहे हैं, हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। अजी, मुझे हारना मंजूर है, पर ये बेजान जिंदगी नहीं। बस्ती ये घर नहीं हो सकता, ये मुर्दों की बस्ती है। I hate this place, Azi. Thank you.
अम्मी मैं मुंबई जा रही हूँ करीना कपूर की तरह स्टार बनने। आई एम सॉरी अगर मैंने आप सबको परेशान किया। कुछ ही दिनों में मेरा हैप्पी बर्थडे है। आपकी माफ़ी को मैं अपना गिफ्ट समझ लूँगी। चिंता मत कीजिए मैं अकेली नहीं हूँ। कर्फ्यू लग चुका है। Don't ask sad. AMAL अमाल तुम्हें बैंड्रा पता है? मन्नत पता है? उफ, अपना नाम तो पता है। क्या कर रही हो यहाँ? किसके साथ आई हो? घर पे किसी को मालूम है तुम्हें? डरो जब आप मुंह उठा के कश्मीरी गर्ल बैंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे दैट वाज नॉट अनबिलीवेबल। जन्नत दीदी के उकसाने वाले आर्टिकल्स वो अनबिलीवेबल नहीं है और मेरा सपना अनबिलीवेबल है। कोई बात नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आई डू इट अलोन लाइक कंगना। क्या करोगी? धर्मा के ऑफिस के बाहर जाके खड़ी हो जाओगी ताकि करण जौहर अपनी गाड़ी से निकले और कहे कि आई फाउंड आलिया की बहन अमालिया? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गुड आइडिया। अपना फोन निकालो और घर पे मैसेज करो कि मैं कहाँ हूँ, ठीक हूँ और अकेली नहीं हूँ और मेरे साथ चलो। ओके चलो। आ रही हूँ। ये क्या है? डोंट टच एनीथिंग। ओके एक सवाल पूछूं, यहाँ से मन्नत कितना दूर है? And she's already pretty getting on my nerves. देखो कुछ प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर में भेज देता हूँ। They're good people, दोस्त हैं मेरे। एडवांटेज नहीं लेंगे तुम्हारा। और जब तक कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, you can stay here as a guest. अपना घर समझने की ज़रूरत नहीं है। Actually, I just want to say कि आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं, उसके लिए thank you very much. वाह, तहज़ीब। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, जन्नत की वजह से कर रहा हूँ। गॉड फॉरबिड अगर उसको पता लग जाता है कि तुम यहाँ पर हो, हम लोग मिले और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। You're very lucky कि जन्नत तुम्हारी बहन है। I'm sorry, Mehr. मैं एक दो दिन में अपना रेजिग्नेशन भिजवा दूंगी। आई थिंक हम सबके लिए ये बेहतर होगा। मैं समझ सकता हूँ। मेरी बहन के मैयत पे मुझे छोटी सिंपति देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं समझते। जब आप ये नहीं समझ पाए कि मुझ पर क्या बीती, मेरा यकीन तक नहीं कि आपके लिए बेशक वो आपकी बहन के शौहर होंगे, पर मेरे लिए वो हमेशा एक रेपिस्ट रहेगा। हमारा अफेयर होना
या उनका शादीशुदा होना इस बात पर पर्दा नहीं डाल सकता दैट आई डिड से नो. आई सेड नो. अगर आप मुझे रत्ती भर भी समझते तो जानते कि मैं इतना घिनौना झूठ कभी नहीं बोल सकती. और कह के क्या पालूंगी. हम दोस्त हैं मेहर. अगर ये सच था तो आपने बताया क्यों नहीं. अगर मैं आपके या किसी के सामने अपनी बेगुनाही क्यों साबित करूंगी. फॉर जस्टिस. कार्रवाई होती तो बात खुलने पर आप सबके सामने झूठी नहीं लगती. मेरी बीवी ने मेरे बच्चे की कस्टडी के लिए मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा इल्जाम लगाया था पर मैं चुप नहीं बैठा. मैंने कंप्लेन दर्ज की. अपनी बीवी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करके आपको क्या मिला. इंसाफ या बदनामी. मुझे मेरी बच्ची मिल गई. मुबारक हो डॉक्टर रिजवी. पर मुझसे कल मेरी बहन छीन ली गई. एंड सो आई एम वेरी सॉरी. पर इस वक्त मेरे लिए मेरे अम्मी और अब्बू का सदमा इंसाफ से कहीं ज्यादा जरूरी है. आप खुशनसीब हैं. बट आई वॉज रेप्ड. मैं किस किस पर एतबार करूं मेहर. मैं जानता हूं किसी पर एतबार करना कोई मामूली बात नहीं हो सकती. आपकी सोच आपके यकीन से भी ज्यादा मामूली है क्योंकि 24 घंटे पहले मैं आपके लिए खास थी. आप वो मेहर नहीं जो मैंने आपको समझा था. अफसोस. आप वही नौशाद निकले जिसका मुझे शक था. बानो कहीं नहीं गई. उसके पैगाम कश्मीर की रूह में हमेशा जिंदा रहेंगे. उन्हें हमें पूरा करना होगा. अपने दिल खोलकर, मोहब्बत बांटकर. एक बार फिर मौसम बदला है. फिर से एक नया दौर शुरू होगा.